अभी हम बनाएंगे KFC चिकन टिक्का, जिसके लिए हमने दो अंडे ले लिया है। इसको फेंट लेंगे इस तरह से फेंट लेंगे अंडे को, और इसमें डालेंगे ये दूध, अंडे के अंदर दूध, और दूध को भी फेंट लेंगे इस तरह से, दूध को इस तरह से फेंट लेंगे अंडे के साथ। और इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, और ये नमक इसके अंदर, और इसके अंदर डालेंगे ये काली मिर्च का पाउडर, और सबको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद ब्रेड क्रंच लेंगे हम, और इसमें कॉर्नफ्लेक का आटा मिक्स करेंगे ये इस तरह से ब्रेड क्रंच में, और दोनों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ब्रेड क्रंच और कॉर्नफ्लेक आटा दोनों को मिक्स कर लेंगे। और ये हम चिकन का लेग पीस ले लेंगे, और इसमें डुबो देंगे मसाले और अंडे वाले ग्रेवी के साथ, और इसको हम निकाल लेंगे, और ये इस क्रंच में इस तरह से डाल देंगे, ब्रेड क्रंच में इस तरह से डाल देंगे। हर तरफ लगना चाहिए, और इसको फिर से एक बार अंडे में डालेंगे, ये अंडे के अंदर, और इसको निकाल के वापस इसमें डाल लेंगे इस तरह से, हर तरफ से फिर से लगा लेंगे इस तरह से, हर तरफ लगा लेंगे, ये हर तरफ से बैंडिंग होना चाहिए, और इसको निकाल के प्लेट में रख लेंगे हम। अब इसी तरह से फिर हम ये दूसरा पीस, चिकन का लेग पीस, फिर इसके अंदर डालेंगे इस तरह से डाल लेंगे, ब्रेड क्रंच में डालेंगे वापस इस तरह से, हर तरफ लगा लेंगे, और इसको फिर से एक बार हम अंडे का ये निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर से हम इस पे ब्रेड क्रंच में डाल देंगे ये। हमने एक तरफ गैस पे तेल गरम कर लिया था, और इस गरम तेल में ये लेग पीस, ये लेग पीस इस तेल में डाल देंगे, और इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, और 5 मिनट बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे इस तरह से। ये हमारा KFC स्टाइल चिकन टिक्का, ये, और इसको पलट के 5 मिनट तक और पकाएंगे। ये 5 मिनट बाद चिकन हमारा पक चुका है, ये डार्क ब्राउन KFC स्टाइल चिकन टिक्का। इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में इस तरह से, इस तरह से निकाल लेते हैं। इस पे रेड चिली सॉस और साइड में रेड चिली सॉस। ये तैयार है हमारा चिकन टिक्का KFC स्टाइल।